आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स 2024 में जो मराठी का सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको 85 प्लस 90 प्लस चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। अब भले ही आप महाराष्ट्र हो, नॉन महाराष्ट्र हो, या फिर आपकी मदर टंग मराठी है, राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ मराठी के सब्जेक्ट के लिए हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी पेपर पैटर्न के साथ। सो गाइस मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, क्योंकि तभी जाके आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होने वाला है, एज वेल एज 8000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास में है। अभी के अभी शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब देखो पेपर पैटर्न पे बढ़ने से पहले तीन ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं आपको हर बार याद दिलाने वाला हूँ जब भी मैं लैंग्वेजेस की बात करूंगा, और ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया फिर तो आपका हर एक लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट बर्बाद होने वाला है। तो देखो भाई वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है, मेक श्योर आप पेन और पेपर अपने साथ में लेकर बैठ रहे हो। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज लैंग्वेजेस को हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को डिसाइड करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, एज वेल एज अगर आपने लैंग्वेजेस के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए फिर तो आपके परसेंटेज डेफिनेटली बूस्ट होने वाले हैं। और देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कितना भी मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो, अगर आप इनके अंदर 100 और 100 भी स्कोर कर लेते हो फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट को ऐड करके ही आता है। अगर आपने लैंग्वेजेस को हल्के में लिया, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लिए, फिर तो आपका रिजल्ट वेस्ट होने वाला है। हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, दैट इज हैंडराइटिंग मैटर्स। ट्रस्ट मी गाइस आपके लैंग्वेजेस के अंदर एज वेल एज जो आपके थियोरी के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपकी हैंडराइटिंग 110% मैटर करती है। आपने भले पूरा पेपर लिखा हो, आपको सब कुछ आता हो, बट आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपने जो कुछ भी लिखा है वो पेपर चेकर को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा। एंड ट्रस्ट मी गाइस जैसे जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है मैं आपके साथ हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आपको बोर्ड एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करना है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनर चेक करता है अपने आंसर शीट में। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज लैंग्वेजेस को लास्ट मोमेंट के लिए मत रखना। अब देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे क्या, वो साइंस मैथ्स एसएसटी पे इतना फोकस डालेंगे कि लैंग्वेजेस को वो लास्ट के लिए रखेंगे। वो ऐसा सोचते हैं या फिर उनके जो सीनियर्स हैं उनको ये बताते हैं कि अगर आप लैंग्वेजेस को एग्जाम से एक दो दिन पहले भी कर लोगे फिर भी हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी गाइस वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। मेक श्योर आप लैंग्वेजेस को लास्ट मिनट के लिए नहीं रख रहे हो और आज से पढ़ाई करना चालू कर रहे हो। तो देखो भाई एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखो, आपको लैंग्वेजेस की पढ़ाई आज से ही चालू करनी है, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। अब देखो ये जो तीन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको तो आपको कोई भी हालत में फॉलो करना ही है, बट अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की जो कि मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया आपका इंस्टाग्राम आईडी या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो, तो देखो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी कभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सारे अपडेट्स शेयर करता हूँ, एंड आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो आपको कोई भी डाउट आता है, तो मेक श्योर आप फॉलो कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। तो बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की ओर। सो यस गाइस ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है मराठी के सब्जेक्ट के लिए। ये आपके मराठी का सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो कि मुझे आया था मेरे टाइम पे। अब देखो मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से होने वाला है, एज वेल एज आपको हर एक क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर करना है। ट्रस्ट मी गाइस ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है फिर पढ़ते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब करके रखो यार। ठीक है गाइस अब देखो आपका जो विभाग एक है उस पर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपका पेपर टोटल 80 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए होता है? 80 मार्क्स प्लस आपको टाइम कितना मिलता है? 3 आवर्स का, दैट इज 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है 80 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए। एज वेल एज गाइस ये लैंग्वेजेस का पेपर बहुत लेंदी होते हैं, तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन पेपर्स के अंदर। अब जो आपका विभाग एक है दैट इज गद्य, जो कि नॉर्मली होता है टेक्स्ट बुक रीडिंग, उसके अंदर आपको टोटल 18 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपका जो विभाग एक है वो टोटल 18 मार्क्स के लिए आएगा, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा चौकटी पूर्ण करा, जो कि नॉर्मली होते हैं, जो कि आप सभी ने 8th में 9th में सॉल्व किए होंगे। आपको पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। जो लास्ट में सोमत आता है उसको किस तरह से लिखना है, जो टोटल 3 मार्क्स हैं वो कैसे गेन करने हैं वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। और देखो ये जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक सीक्रेट ट्रिक है। क्या है सीक्रेट ट्रिक? जो कि मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बताई थी, आपको ही बताऊंगा, बस थोड़े से पेशेंस रखो। ओके गाइज अब देखो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एज वेल एज अपठित गद्य। ये क्या होता है? ये अनसीन पैसेज होता है जो कि टोटल
4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और देखो इस टाइप के जो अनसीन पैसेज आते हैं ये एकदम सिंपल होते हैं। अब आप सभी लोग एक चीज बोलोगे, बट भैया हमारे बोर्ड एग्जाम को तो अभी टाइम है, आप अभी से हमें ये सब क्यों समझा रहे हो? भाई एक चीज हमेशा याद रखो, आपको जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सर पे आके खड़े हो जाएंगे। और देखो मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको यूनिट टेस्ट, टर्मिनल, प्रीलियम्स ये सब तो आप कर लोगे भाई, बट जो अपनी असली जंग है बोर्ड एग्जाम्स है उनमें किस तरह से स्कोर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं पार्ट टू की, विभाग दो जो कि है पद्य मतलब पोइट्री। अब ये टोटल 16 मार्क्स के लिए आएगा जिसके अंदर 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे और 8 मार्क्स के लिए अप्रिसिएशन आएगा। अब लास्ट ईयर मैंने अप्रिसिएशन के लिए एक वीडियो बनाई थी, सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगी थी, वो मैं इस साल भी बनाने वाला हूँ। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर पाओगे, जब आपने पोएम्स को अच्छे से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा है, एज वेल एज आपने हर एक चीज को एकदम अच्छे से समझ लिया है, तभी जाके आप तुरंत इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो शब्दार्थ वगैरह है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी स्कूल्स के अंदर मैम शब्दार्थ वगैरह लिखवाती है प्लीज मार्क करके रखो और उन्हें कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज एप्रिसिएशन, जो कि टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके अंदर मुझे 6 प्लस डेफिनेटली मिले होंगे क्योंकि मैं जो पढ़ के गया था वही आया था, दैट इज योगी सर्वकाल सुखदाता। अब देखो इसके अंदर आपको हर एक पोएम को एकदम अच्छे से समझ के रखना है। इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आता है, लगे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज स्थूलवाचन, जिसके लिए मेरे पास मोस्टली बहुत बार कमेंट्स आ चुके हैं, भैया इसको हमें वर्ड टू वर्ड लिखना है क्या, जैसे मैम लिखवा रही है सेम वैसे लिखना है क्या? इसका आंसर है नहीं, आपको समझ लेना है, आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया था, मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ लिया था और फिर खुद के वर्ड्स में मैं सिंपली लिख के आ गया था भाई। और देखो ये विभाग टोटल 6 मार्क्स के लिए आएगा जिसमें आपको कोई भी दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दैट इज 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है वो तो आपको पता ही है, दैट इज हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा। अब हम बात करते हैं विभाग 4 की, दैट इज भाषाभ्यास, दैट इज ग्रामर, सिंपली ग्रामर बोलते हैं। ये टोटल 16 मार्क्स के लिए आएगा एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 16 मार्क्स है ये आपके हाथ के मार्क्स है, इन्हें कोई भी नहीं ले सकता है। आई एम डैम श्योर कि मैंने आउट ऑफ स्कोर किए होंगे ये सेक्शन के अंदर, बिकॉज क्वेश्चन इतने सिंपल है, एज वेल एज आपको हर एक क्वेश्चन का सैंपल पहले से ही मिला हुआ होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंफ्यूजिंग है, चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 अ है, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, ये ऑलरेडी सेट होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दैट इज वाक्यांश प्रकार ओळखा, यही आएगा। इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। एंड यस गाइस, अगर आपको ग्रामर एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस है उन्हें कर लो, जो मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती है उन्हें कर लो, फिर PYQs में जाओ, जो PYQs है ना ये सब, इनके जो क्वेश्चंस हैं इन्हें एकदम अच्छे से सॉल्व करो और फिर जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सबसे पहले आपको इन 3 स्टेप्स को करना है, फिर जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाना है, उसके पहले मत जाना। ओके गाइस, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो आप भी कर लोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज विभाग 5 उपयोजित लेखन। ये टोटल 24 मार्क्स के लिए आता है और इसे जितना इंपॉर्टेंट बोला जाए उतना कम है। व्हाई? बिकॉज आपके जो पेपर है 24 मार्क्स यही सेक्शन लेके बैठा है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ओ, जो कि है पत्र लेखन। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन आएंगे, सबसे पहला पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन जो कि समरी होता है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से आपको कोई एक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अब मैं पत्र लेखन करके गया था क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस 5th, 6th, 7th, 8th, 9th से की थी। सारांश लेखन थोड़ा नया था तो मैंने पत्र लेखन को ही ऑप्ट किया था। आपके हाथ में आपको कौन सा ऑप्ट करना है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप पत्र लेखन लिखो। अब पत्र लेखन में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, अब देखो मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि ग्रामर के अंदर हर एक राइटिंग स्किल के लिए डिटेल में वीडियो आने वाली है, बट अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं, हमेशा फॉर्मेट एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है आपको, फॉर्मेट हमेशा याद होना चाहिए, उसके ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको 2 से 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अ के अंदर आपको 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स ईच। जो सबसे पहला क्वेश्चन है जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन बाद में लेखन और फिर आता है कथा लेखन। अब मैंने कौन से लिखे थे, मैंने जाहिरात लेखन लिखा था और बाद में लेखन लिखा था। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। इस चीज को माइंड मैप बना के चलो कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगे तो इस वीडियो को एक बार देखो, नहीं समझ में आया दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, बट ये जो आपका पेपर फॉर्मेट है इसे अपने ब्रेन में हमेशा फिट करके रखो। अब देखो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज ई,
लेखन कौशल्य। अब इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है प्रसंग लेखन, आत्मकथन और फिर वैचारिक निबंध। अब मैंने कौन सा लिखा था, आप लोग गेस करो, चलो गेस करो कि मैंने कौन सा लिखा होगा। कमेंट किया, ठीक है। तो देखो गाइस, इतना ही होता है आपका मराठी का पेपर। आपको टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, साथ में आपको 180 मिनट मतलब 3 घंटे मिलेंगे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आप आज से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन चालू रखते हो, विभाग एक विभाग दो को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रखते हो, टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से रखते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हो, फिर तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही वाले हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, 10,000 बहुत जल्दी करने हैं। ओके गाइस, और देखो मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूं कि आपको मराठी के पेपर के अंदर 85 प्लस, मैंने 86 स्कोर किया था, आपको मेरे से ज्यादा स्कोर करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, 86 से ज्यादा स्कोर करोगे ना, कैन आई चैलेंज यू ऑल। ओके गाइस, आई चैलेंज यू ऑल, अभी के अभी कमेंट करो यस आई विल क्रैक मराठी बोर्ड एग्जाम स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहां तक देख रहा है, एज वेल एज अपने मराठी के पेपर को लेकर सीरियस है और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करने वाला है। टिल दैट टाइम आपके हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।